हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, यहाँ पे जी मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है एंड सबसे पहले हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं अपना। और अच्छा, आज मैंने ऐसा था ना, मैं बच्चों को भेज के सोई नहीं थी ना, फिर मैंने अपना बाकी काम वगैरह किया, थोड़ी डस्टिंग वगैरह रूम की, शूज़ वगैरह मैंने सही करके रखने थे, जो बच्चों की कबर थी वो मैंने थोड़ी क्लीन की, वो मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी इस वजह से। तो बस यहाँ पे इसलिए फिर मैंने वो सब काम वगैरह करके फिर उसके बाद मैं आ गई, फिर मैंने शावर लिया और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। अब यहाँ पे मैं अपने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप मेरे बाल देख सकते हैं, वैसे मैं ड्राई कर लेती हूँ जैसे ही ना मैं अपने बाल वॉश करती हूँ, देन मैं साथ में ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इतने लॉन्ग हेयर ओपन रखना ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब स्पेशली किचन में बाल खोल के आना मुझे खुद भी पसंद नहीं है बेसिकली, तो इस वजह से मुझे खुद भी पसंद नहीं है। बस ये है कि आज थोड़ी प्रॉब्लम थी और जो मेरा हेयर ड्रायर था वो भी प्रॉब्लम कर रहा था, पता नहीं वो भी शायद ख़राब था, हो गया था या क्या था, इस वजह से फिर मैंने अभी उस टाइम लग नहीं रहा था तो फिर मुझे लेट हो रहा था, फिर मैंने कहा कि अब रहने तो ऐसे ही मैं किचन में चली जाती हूँ। तो देन जी यहाँ पर मैंने अब अपने बाल बांध लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना मुश्किल होती है और मैं हैरान होती हूँ सम टाइम कि पता नहीं लोग कैसे बाल ओपन करके ना किचन में आ जाते हैं, मुझे बहुत उलझन होती है भाई। तो अभी मैंने गीले बालों को ही ना ऊपर पिनअप कर लिया था और उसके बाद जी मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। हमेशा की तरह सिंपल सा ही मेरा ब्रेकफास्ट है और वैसे अभी मैंने ना पराठा खाना छोड़ दिया है, मैं ब्रेकफास्ट में पराठा नहीं लेती, अब मैं वापस अगेन अपने ना पुराने ब्रेकफास्ट स्टाइल पे मैं आ गई हूँ, मीन्स ब्रेड वगैरह सिंपल जस्ट वो लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया, मतलब वेट मेरा मैंने थोड़ा सा गेन कर लिया मेरी, मतलब मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी खा लूँ ना मेरा वेट गेन हो जाता है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ना एहतियात करके खाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ एंड उसके बाद आज मुझे वैसे इतने काम वगैरह कुछ भी नहीं है और बस ये नॉर्मली जो घर का जो क्लीनिंग वगैरह होती है बस वही, और ऐसा है ना कि अभी शॉवर लिया है तो उसके बाद मतलब दिल करता है कि ब्रेकफास्ट करके ना वापस सो जाऊँ, मतलब इतनी और ना और मज़े की बात यह है कि यहाँ का वेदर ही बहुत ही ज़्यादा ना मज़े का हो रहा है, मतलब लास्ट 2 डेज़ से ना कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश हो रही है, इस वजह से वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है ना, रात में तो ठंड लगती है एंड मॉर्निंग में भी इतना ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी, स्पेशली जब मैं शॉवर ले रही थी ना उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, क्योंकि वेदर चेंज हो गया और अभी भी चेंज ना हो जाहिर बात है, अब तो ये सेप्टेम्बर का लास्ट डेज चल रहे हैं तो अभी तो ठंडा हो ही जाना चाहिए वैसे, और हो भी गया और इस वजह से। और वैसे आज सुबह जब बच्चों को भी मैंने शावर नहीं दिलवाया ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, ठंड पड़ रही थी, बच्चे लिटरली शिवरिंग कर रहे थे जब उठ के उन्होंने फेस वगैरह वॉश किया, और यहाँ पे तो क्या बताऊँ बहुत ठंड पड़ी थी है ना मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात यह कि जब मैंने मॉर्निंग में सारे डोर्स ओपन किए तो बाईस फोक थी ना, ऐसा लग रहा था दिसंबर आ गया, इस टाइप की ठंड चल रही थी और मैं तो हैरान हो गई। तो फिर मैंने प्लान कैंसिल कर लिया, मैंने कहा कि नहीं बच्चों को मैंने नहीं नहलाना, और क्योंकि सुबह गीज़र हम लोगों ने सही नहीं मतलब गीज़र ऑन नहीं करवाया और सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, तो मैंने कहा नहीं बच्चों को जस्ट सिंपल फेस वॉश करके ऐसे ही बस मैंने तैयार करके उनको स्कूल भेज दिया। और ये है कि मैं अपनी चाय में इलायची वाली में चाय पीती हूँ ना, तो आज मेरी इलायची ख़त्म हो गई थी चाय में, तो फिर ये है कि वो मतलब इलायची के बगैर ना चाय का मुझे टेस्ट नहीं आता, पता नहीं क्या बात है। तो ये है कि मुझे इलायची वाली ना स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, मतलब जिसमें दूध कम और पानी ज़्यादा, मैं इस टाइप की चाय पीती हूँ। तो अभी मैंने फिर मुझे कल हालाँकि मैं मार्केट गई हुई थी बट मेरे माइंड में नहीं आया और इलायची मैं नहीं ला सकी, और ऐसा है कि इलायची या इलायची ना हो तो फिर मैं अदरक से गुजारा कर लेती हूँ, और अदरक भी ख़त्म थी, अदरक भी नहीं थी, तो बस आज मेरी सिंपल ही चाय है। और उसके बाद बहुत मज़े की ना यहाँ पे हम लोग का जो ये वाला किचन है यहाँ पे ना बहुत मज़े कद की धूप भी आती है, तो मैं ना जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होती हूँ डोर वगैरह ओपन कर लेती हूँ तो फिर बहुत अच्छा अच्छा वेदर हो जाता है और बहुत अच्छी वेंटिलेशन भी होती है ना। तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया था और उसके बाद किचन वगैरह भी वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ, मतलब यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह सारे के सारे उसी तरह पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई, यहाँ पे जो बस ये है सिंपल सा, ये जो एक मतलब टेबल वगैरह ठीक करके रखती हूँ, और क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो फिर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और टॉवल अभी तक बेड पर ही पड़ा हुआ था और उसके बाद अभी टॉवल को भी मैं जगह पर रख लूँगी। एंड ये होता है कि अच्छा ये है ना कि बच्चे भी मेरा मैं और मेरे बच्चे सेम एक ही टॉवल यूज़ करते हैं ना, हालांकि ऐसा है कि मैंने ना लाइफ में अपना ना मैंने हेयर कॉम किसी के साथ शेयर किया ना टॉवल शेयर किया, बट वाहिद मेरे बच्चे जिनके साथ मैं अपना टॉवल शेयर कर ली,
कर लेती हूँ। एंड बच्चों का भी अपना टॉवल है, बट बच्चे भी ना कहते मामा हमने आपका टॉवल यूज़ करना है, एंड बच्चों को भी अब मेरे टॉवल से ना प्यार हो गया है। तो बस ये है कि एक ही गीला टॉवल हम लोग के बेड पे पड़ा रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है स्पेशली जब ना गीला टॉवल बेड पर पड़ा हुआ हो। तो बस यहाँ पे अब मैं ये जो कपड़ों का जमघटा आप देख रहे हैं, और इन कपड़ों को भी मैं तरतीब करके रख दूँगी जगह पे, और ये तो डेली के काम होते हैं। एंड ये इन कपड़ों को मैंने रात में वॉश किया था। अच्छा, हम लोग की जो मशीन थी कपड़े धोने की वो ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है कपड़े वॉश करने में। और वैसे तो मैं हेल्पर से कपड़े वॉश करवाती हूँ, खुद मैं कपड़े वॉश नहीं करती। अगर मशीन थी जब तक तो ऑटोमेटिक मशीन थी तो वो प्रॉब्लम नहीं थी, कपड़े डाल के तो निकाल दो तो वो मसला नहीं था। लेकिन अब जब हाथ से कपड़े धोने की बात आई तो वो फिर हेल्पर ही वॉश करके दे देती है। लेकिन ये है कि 2 डेज़ से हम लोग के हेल्पर की भी तबीयत ख़राब थी, वो भी नहीं आ रही थी, इस वजह से फिर सारे कपड़े अब मैंने जो मैंने कहा जब तक हेल्पर आती तब तक मैंने ये किया कि कपड़े ना जो भी हैं जितने भी हैं इनको मैं मतलब रात में ही वॉश कर लूँ ना, क्योंकि टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे। दिन तो सारा ऐसा भागम भाग में गुजर जाता है कि कोई समझ नहीं आती है, क्योंकि एक तो दिन भी छोटे हो गए ना, इस वजह से कोई समझ नहीं आ जाती। इवन मेरी जब मैं वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ तो ये इतना ज़्यादा लेट हो जाता है वॉइस ओवर वगैरह करने में, वीडियो मेरी इसी वजह से लेट अपलोड होती है क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। काफ़ी मुश्किल होता है ना एक मतलब एक हाउसवाइफ के लिए, बच्चों के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चों का भी सब कुछ मैनेज करना होता है इसलिए। और बस ये काम तो बस ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी के साथ ही चलते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये मेरे क्लॉथ्स का मेस देख लें आप, जो कपड़ों का मेस बना हुआ है। और ये बकेट एक मेरी मैंने यहाँ पर कॉर्नर में रखी हुई है, मतलब इतना ज़्यादा अब वो हो गया ना कि मतलब हर जगह पर कपड़े ही कपड़े के रखने की भी वो जगह नहीं है। मैंने इसी बकेट में अपने कपड़े डाल दिए, जो डेली बेसिस पे मैं कपड़े ना यूज़ करती हूँ वो कपड़े मैंने इस बकेट में रख दिए ना। मैंने कहा चलो यहाँ से ठीक है ना, अब कबर्ड के ऊपर चढ़ा लेती हूँ, तो वहाँ से फिर जैसे कोई भी कपड़े लूँ तो एक कपड़ा लेती हूँ तो सारे के सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं, तो बस ये हो जाता है। फिर मैंने कहा कि ये आसानी है ना, ज़्यादा किधर ही रख दूँ, जो मैं डेली बेसिस पे ना जो मैं अपने कपड़े यूज़ करती हूँ पहनने के लिए, तो वो मैं वहाँ से निकाल के बस पहन लेती हूँ। तो बस जी कपड़ों का जो जम घटा था उसको मैंने रख दिया था। एंड यहाँ पे टेबल ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मॉर्निंग के टाइम, जब बच्चे स्पेशली ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद तो मुझे टाइम नहीं मिलता, बाकी किचन के बहुत से काम होते हैं, फिर जब सब काम करके तो लास्ट पे मैं ये अपना टेबल वाश साफ़ करती रहती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। एंड इस टेबल की मैं प्रॉपर क्लीनिंग कर लूँगी यहाँ पे, एंड स्प्रे मैंने पहले इसको कर दिया था, एंड उसके बाद ना अब मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। वैसे इस टेबल के ऊपर ना पहले शीट डाली हुई थी और डस्टिंग मतलब जो टेबल की शीट होती है वो डाली हुई थी, लेकिन वो भी फिर बच्चे रहने नहीं देते थे, जब भी खाने बैठते थे तो एक तरफ से शीट उठाते थे। मूसा बहुत ज़्यादा शरारती बेबी हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मूसा बहुत ज़्यादा शरारती हैं, तो वो शीट रहने ही नहीं देते थे, बार बार टेबल से शीट उठा देते थे, नीचे फेंक देते थे। उसके बाद मैंने सोचा कि शीट को ही मैंने फोल्ड करके वॉश करके रख दिया था। तो बस ये है कि ये टेबल शीशे वाला है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है साफ़ करने में, लेकिन ये है कि अगर डेली बेसिस पे मतलब 2 टाइम्स में टेबल को साफ़ करती हूँ तो फिर मसला नहीं होता, फिर इतनी ग्रीस नहीं उसमें होती ना, मतलब हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी क्लीनिंग के जो थोड़ा बहुत से काम है ये कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ना अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले होए हुए थे, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था, और मतलब ये आदत है ना मुझे अब ड्रायर की, मैं ड्रायर से ही अपने बाल को एकदम ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद बस फोल्ड कर लेती हूँ। अपने हेयर को ओपन नहीं रख सकती क्योंकि इतने लॉन्ग हेयर ओपन रखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अभी मैंने ऐसे ही गीले बाल ही बांध लिए थे। और गीले गीले बाल ऐसे होते हैं ना अगर बांध भी लो तो बाल से तो ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली जो मेरे बाल हैं माशाल्लाह से काफ़ी लेंथी हैं अंदर से भी, तो इस वजह से पर वो अंदर से ड्राई नहीं होते, वेट ही रहते हैं। तो बस ये है कि अभी मेरे बाल बाहर से ड्राई हो गए थे बट अंदर से वेट ही थे। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ लाउंज में, और यहाँ की भी क्लीनिंग साथ में लगे हाथों से मैंने कहीं इधर भी कर लूँ। वैसे रात को मैं डेली यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये लाउंज का एक ऐसा ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं, डस्टिंग यहाँ पर हमारे घर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे डस्ट होती है तो यहाँ लाउंज में होती है, क्योंकि ऐसी जगह है कि यहाँ पे बच्चे बैठते हैं फिर खाते पीते हैं एंड कोई चीज़ कहीं पे फेंक देते हैं, कोई चीज़ कहीं पे, स्पेशली हर जगह पे ना डस्टी डस्ट मतलब टेबल पे सोफ़ों पे। तो इसको मैं अब अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, वैसे रात को तो मैं कर लेती हूँ डेली क्लीनिंग ना यहाँ लाउंज की। तो ये है कि अभी यहाँ पे भी ना बहुत अंदर अच्छी मज़े की धूप आ रही थी लाउंज से भी, तो मतलब ये मेरा दिल था कि ना कि मैं जाके बाहर प्रॉपर धूप लगाऊँ, मतलब बहुत दिल कर रहा था ना इस तरह।
और ये था कि एंड थैंक गॉड अब मेरा गला थोड़ा ठीक हो गया। वैसे गले की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, मतलब 15 से 20 डेज़ तक मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन था, बट अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा गला ना ठीक हो गया काफ़ी हद तक। एंड अब ये देख लें मेरा डाइनिंग कितना क्लीन एंड क्लियर लग रहा है ना, नीट एंड क्लीन कर लिए। एंड मैं आपको चेक करा लेती हूँ ज़रा भी इसके अंदर अब ग्रीस नहीं फील हो रही है कहीं से भी, देख लें बिल्कुल क्लीन कर लिया मैंने और ये इसी फॉर्म में होते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है ना नीट एंड क्लीन होके। यहाँ की क्लीनिंग तो हो गई एंड ये लाउंज की भी क्लीनिंग प्रॉपर मैंने कर ली। एंड ये भी मैं आपको दिखा लेती हूँ प्रॉपर, मतलब एक ये तो जो टेबल है इसको भी प्रॉपर क्लीन कर लिया एंड सोफ़ों को भी। और बस यहाँ पे अब मैं आ गई और मैंने कहा कि चलो ये लगे हाथों से ना फ्रिज की भी बाहर से क्लीनिंग कर लूँ, अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी इस फ्रिज की भी। अच्छा यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग के बहुत से कमेंट्स आते हैं, मतलब आज ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे सकती है। एंड मैंने मतलब बहुत दफ़ा बताया अपने व्लॉग्स में, आई थिंक सो आप लोगों ने मेरे वो व्लॉग्स देखे नहीं हैं या फिर आप लोगों ने वो व्लॉग्स बीच में स्किप करके देखे या फिर नए न्यू व्यूवर्स ने नहीं देखे। मतलब आप लोग पूछते हो कि आपने अपना ओल्ड चैनल क्यों बंद किया, आप ओल्ड चैनल कहाँ पे गया, तो मैं अब एक एक का जवाब स्पेशली नहीं दे सकती। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा ओल्ड चैनल मैंने अपना बंद कर दिया है यार, वो कोई स्पेशली कोई ख़ास रीज़न नहीं थी बंद करने की, बस हो गया बंद कर लिया। इन नो कि वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा मेरा ग्रोथ था वो चैनल सब कुछ था, बट ये है कि उस टाइम मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए थी, थोड़ी स्पेस चाहिए थी और थोड़ी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि बस वो मैंने बंद कर दिया और इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। एंड उसके बाद वैसे भी समटाइम ऐसा होता है कि खुद अपने माइंड को भी स्पेस चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है। आई नो वेरी वेल कि वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे एंड बहुत ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो था, बट कोई बात नहीं है और मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब वो चैनल भी मैंने जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी 0 सब्सक्राइबर थे, कोई भी नहीं था वहाँ, और मंथ्स के अंदर वो भी ग्रो हो गया, तो अल्लाह पाक इस चैनल को भी ग्रो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं परेशानी, तो आप लोग क्यों परेशान होते। तो बाकी जी आपको मैं क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, अब वो चैनल मैंने क्लोज़ कर ली है। एंड बाकी जो मेरे नेम पे जितने भी फेक चैनल्स बने हुए लोगों ने बनाए, काइंडली उन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिए। मेरा एक ही चैनल है ये वाला, जहाँ पे मेरी डेली बेसिस पे न्यू वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। और इसके अलावा मेरा और कोई भी चैनल नहीं है, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। और आई थिंक सब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई अपने यूटेंसिल, ये जो मेरे नाश्ते के बर्तन थे इनको भी मैं जस्ट वाश कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन मैं साथ साथ वाश करती रहती हूँ तो इतने होते नहीं हैं। एंड ये जो नाश्ते के बर्तन है मेरे ब्रेकफास्ट के, तो ये 2 प्लेट्स हैं, जस्ट एक बाउल है, और बस इनको वाश कर रही हूँ। अच्छा ये है ना कि हमारे घर में हमारे किचन में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आ गई हैं ना, आंट्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, वो भी ब्लैक वाली आंट्स, पता नहीं कहाँ से आई हैं, कोई समझ नहीं आती है कि कहाँ से आंट्स आ रही हैं। वैसे एक आंटी ने टोटका बताया, आज मैं वो टोटका यूज़ करूँगी, तो बहुत ज़्यादा आंट्स से, अब इनको मारना भी गुनाह, इनको मार भी नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ना इनको वैसे स्प्रे करना भी गुनाह है, क्योंकि स्प्रे करने से डेड हो जाएंगी। कोई ऐसा वैसा मतलब तरीका हो के ना ये आंट्स ना आए, तो आंटी ने बताया है टोटका, तो चलो आज मैं वो भी करूँगी, क्योंकि इन आंट्स ने ना मुझे काफ़ी, इन चूंटियों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है ना, और फिर हर चीज़ के ऊपर आ जाती हैं, तो फिर वैसे भी मुझे काफ़ी उलझन होती है। मैं कहती हूँ कि ये चीज़ भी ना गंदी होगी, ये भी नापाक होगी, मतलब इस तरह का कोई माइंड में आ जाता है, तो सॉरी यार। और यहाँ पे ये अब मैं सिंक अपना वाश कर रही हूँ, प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद जब भी मैं बर्तन वाश करती हूँ मैं सिंक को प्रॉपर क्लीन करती हूँ। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने यहाँ पे क्लीनिंग पे। एंड ये स्टोव ऐसे इतना गंदा नहीं था, बट फिर भी मैं लगे हाथों से स्टोव को भी क्लीन कर रही हूँ प्रॉपर। और अच्छा मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट बनाया है, इतना शॉर्ट नहीं है बट थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि आई थिंक सो ज़्यादा लॉन्ग जो व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ उस वो व्लॉग देखने से आप लोग शायद बोर हो जाते हैं या क्या बात है, हालांकि मैं तो अपनी डेली लाइफ की रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं प्रॉपर अपना स्टोव भी क्लीन कर रही हूँ। एंड इसको पहले मैंने फोम से इसको क्लीन कर लिया है, इसको स्टोव को क्लीन किया है, और उसके बाद जी अब मैं यहाँ पे पहले स्टोव को फोम से क्लीन करती हूँ, उसके बाद कपड़े से जो मैंने रखा हुआ है डस्टिंग का किचन के लिए, इसको मैं क्लीन करती हूँ। तो ये अच्छी तरह से ना ऐसे अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन ना, एक प्रॉपर वे की बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक आ जाती है ना यहाँ पे।
तो बस यहाँ पे अपना जो माइक्रोवेव ओवन है इसको भी प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ, और इसको ओवन को बैक से भी नहीं, यहाँ पे ओवन को आगे करके ना फिर बैक से मैं क्लीन करती हूँ प्रॉपर, क्योंकि जब यहाँ पे साइड पे कोई भी खाना वगैरह बनता है तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी ना मतलब ऐसी डस्ट वगैरह चली जाती है, और फिर वहाँ से भी प्रॉपर एक क्लीनिंग की एक अच्छी लुक आती है ना, क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर फ्रंट से क्लीनिंग करूँ वहाँ पर बैक से क्लीनिंग ना करूँ तो फिर मतलब सारी गंद जाके वहाँ पर जमा हो जाती है। तो बस ये है कि और उसके बाद मैं यहाँ से क्लीनिंग कर रही हूँ प्रॉपर। एंड उसके बाद जी आज मूसा ने जाना था अपने बाल कटवाने, मैंने मूसा के बाल कटवाने थे। हालांकि मूसा के ना जब मूसा छोटे होते थे तब देन मूसा के काफ़ी लॉन्ग हेयर होते थे, एंड अब मैं मूसा के बाल बड़े नहीं रखती क्योंकि मतलब स्कूल गोइंग बच्चे के बाल एक तो बहुत ज़्यादा इरीटेट करते हैं, और वैसे भी कहते हैं बाल खून चूसते हैं, और जब बच्चा स्पेशली जब पढ़ने लग जाता है तो फिर उसके बाल बड़े ना काफ़ी ज़्यादा उलझन देते हैं इस वजह से। एंड कुछ इनके स्कूल के रूल्स भी, मूसा के स्कूल के रूल्स भी काफ़ी टफ है ना, कि मतलब बच्चे लॉन्ग हेयर नहीं रख सकते, मतलब थोड़े बड़े बाल नहीं रख सकते। अच्छा ये मेरी किचन की लुक देख लें आप। सो यहाँ पे मूसा भी आ गए हैं, अब मूसा जी आ गए हैं, एंड मूसा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना परेशान कर रहे हैं। एंड उसके बाद मूसा कहते हैं, मुझे कह रहे हैं कि यहीं पे ना आप मेरा लंच देखे ना यहीं पे, और अभी यहीं पे मूसा ना मुझे अपना बैग उतार के बता रही हैं कि यहीं पे आप मेरा लंच देखें। मतलब मूसा ऐसे करते रहते हैं, मूसा काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि नहीं मामा अभी ही देखें। तो अच्छा जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं अपना व्लॉग आज का बस यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मूसा को भी शॉवर वगैरह दिलवा दिया था मैंने, एंड अच्छा मैं अपने आज का व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और जी आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ काइंडली अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछने होते हैं तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ लिया करें, और यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते हो कि जिसका मैं जवाब यहाँ पे नहीं दे सकती। बाकी ऐसे बाकी मैंने आप सबको क्लियर कर दिया कि मेरे व्लॉग के सॉरी मेरा जो ओल्ड चैनल था वो बंद करने की क्या रीज़न थी, बाकी इसके अलावा कोई रीज़न नहीं थी। अपना ख्याल रखना, कल व्लॉग में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।